हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट से बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस का अप्लाइड क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और कल मैंने बताया था कि अगर गॉल ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होता है बच्चों, उसे कहते हैं कोलेसिस्टाइटिस, और अगर यूरिनरी ब्लैडर को इन्फेक्शन होता है तो उसे कहते हैं सिस्टाइटिस। आपको याद होगा बच्चों, आइटिस के मैंने मतलब भी बता दिए थे। अब इसके आगे बच्चों, कल मैंने कहा था किसी भी टर्म के लास्ट में लिखा हो आइटिस, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। बहुत कॉमन बच्चों हिपेटाइटिस, जैसे हेपार मतलब लीवर, तो हिपेटाइटिस का मतलब हुआ इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। तो जब आपको ये सारे शब्द समझ में आ चुके हैं बच्चों, तो आप तुरंत समझ सकते हो कि हमारे लीवर की क्या हालत है। इसी तरीके से बच्चों कहीं पर भी आइटिस लगा हो, जैसे आर्थराइटिस बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम बच्चों, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स। ऐसे ही बच्चों गैस्ट्राइटिस, नेफ्राइटिस, ये सब बहुत कॉमन है बच्चों। इसलिए आज के बाद तुम लोग कभी नहीं भूलोगे कि आइटिस का मतलब क्या होता है। आइटिस के बच्चों 5 सिम्टम में एक होता है पेन। पेन की यूनिट होती है डॉलर। सबसे ज्यादा पेन कब होता है बच्चों, नॉर्मल पेन क्या होता है, एक बहुत मजबूत आदमी बच्चों यूजुअली 36 से लेकर के $40 के पेन को बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन सबसे ज्यादा पेन होता है बच्चों एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब एक फीमेल अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है, उस समय सबसे ज्यादा पेन होता है बच्चों, और ये 53 से लेकर $57 के बीच में होता है। एक नॉर्मल फीमेल जब मां बन जाती है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम दर्द बर्दाश्त कर लेती है, इसीलिए यूजुअली फीमेल्स को छोटे मोटे दर्द परेशान नहीं करते। ये भी एक कारण है बच्चों कि फीमेल्स की इम्यूनिटी मेल से ज्यादा होती है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में फीमेल्स की एवरेज एज मेल से ज्यादा है। आप देख रहे हो बच्चों इस समय कि कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है। आप डेली बच्चों पेपर उठाकर देखो, फीमेल्स के कोविड से सफर होने की संख्या और मेल्स की सफर होने की संख्या में अंतर है। मेल्स आर मोर सफरर देन फीमेल्स। फीमेल्स का इम्यून सिस्टम बच्चों एक मां बन जाने के बाद काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो मैक्सिमम पेन भी बर्दाश्त कर लेती है। 53 से $57 का पेन बच्चों इतना जबरदस्त पेन होता है जैसे आपकी सारी हड्डियां एक साथ टूट जाए। आप सोचो इतना दर्द एक फीमेल मां बनते समय बर्दाश्त करती है। तो ये हुआ बच्चों द यूनिट ऑफ पेन डॉलर। बच्चों कल हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कि अगर गॉल ब्लैडर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बाइल साल्ट वापस कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में, और कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे पीसेस पार्टिकल्स के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर कैलकुलाई। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनता है वो मेनली कोलेस्ट्रॉल का बनता है। ध्यान रखना बच्चों, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन बनता है वो मेनली कोलेस्ट्रॉल का बनता है। यहां पर बच्चों देखो एक शब्द लिखा है लिथियासिस। लिथियासिस का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन या कैलकुलाई। अगर शरीर में स्टोन बनने की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है उसके लिए बच्चों टर्म यूज होता है लिथियासिस। अब स्टोन हमारी बॉडी में दो जगह बन सकते हैं, या तो गॉल ब्लैडर में बन सकते हैं और या तो किडनी में बन जाते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में बच्चों स्टोन बनता है तो आप देखो लिथियासिस दो, पहला कोलीलिथियासिस, पढ़ो क्या लिखा है, गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन मोर इन फीमेल्स। दूसरा है बच्चों नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रो का मतलब किडनी से लिया गया है, किडनी स्टोन फॉर्मेशन या रीनल कैल्कुलाई एंड इट इज मोर इन मेल्स। इसका मतलब हुआ अगर स्टोन बनता है बच्चों उस बनने की टेंडेंसी कहते हैं लिथियासिस। लिथियासिस दो, एक होती है कोलीलिथियासिस, दैट इज अ टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर, और ये प्रॉब्लम बच्चों फीमेल्स में मेल से ज्यादा होती है। तो ये सब बच्चों मेडिकल रिसर्च है कि फीमेल्स में गॉल ब्लैडर का स्टोन ज्यादा बनते हुए देखा गया है। इसीलिए आप लोग अपने घरों के आसपास देख सकते हो, अगर किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है तो ज्यादातर तो देखा होगा कि आपके यहां फीमेल्स में, काकी, दादी, नानी, मासी, किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेल्स को नहीं होता, लेकिन फीमेल्स को ज्यादा होता है। दूसरा है बच्चों नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस यानी टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनीज, आप इसे रीनल कैल्कुलाई भी कह सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे बच्चों, जब पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर इलिमिनेशन, वहां इसका जिक्र मैं फिर से करूंगा। बच्चों जो किडनी में स्टोन होता है वो मेल्स में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि फीमेल्स में नहीं होता, होता है लेकिन मेल्स में ज्यादा होता है। तो लिथियासिस का मतलब समझ में आ गया बच्चों। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो वो सिम्टम्स आएंगे बच्चों, पेन वगैरह होता रहेगा, वोमिटिंग लाइक सिम्टम भी आते हैं, नोजिया लाइक सिम्टम आते हैं। और अगर डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, डॉक्टर जांच करते हैं उसकी, तो सिम्टम ये आते हैं बच्चों, पेट में लगातार दर्द हो रहा होता है, वोमिटिंग लाइक सिम्टम आते हैं, नोसिया लाइक, कभी कभी वोमिटिंग हो भी जाती है, जी मचलाता रहता है, और साथ ही साथ फीवर भी आ जाता है, दर्द बना रहता है।
डॉक्टर अल्ट्रासाउंड स्कोपी से पता लगा सकते हैं बच्चों अल्ट्रासाउंड से स्टोन है। अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर्स बच्चों फिर गॉल ब्लैडर को रिमूव करने की बात करते हैं और गॉल ब्लैडर के सर्जिकल रिमूवल के प्रोसेस को कोलीसिस्टेक्टोमी कहा जाता है। कोलीसिस्टेक्टोमी बच्चों, किसी भी टर्म के लास्ट में एक्टोमी लिखा हो, एक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। आपको याद होगा गॉल ब्लैडर नाम था कोलीसिस्ट, इसलिए कोलीसिस्टेक्टोमी का मतलब हुआ सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। तो अब बताइए बच्चों, अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया तो बाइल बनेगा या नहीं बनेगा? ध्यान सुनना बच्चों, ये सब एम से क्वेश्चन है। बाइल तो बनेगा क्योंकि बाइल तो बनता है लीवर में, लेकिन आकर स्टोर कहां पर होता है बच्चों? गॉल ब्लैडर में। अगर गॉल ब्लैडर हटा दिया गया तो इसका मतलब अब बाइल जूस कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। जब बाइल जूस कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा तो लीवर में बना हुआ बाइल धीरे धीरे सीधे आकर के ड्यूडनम में पहुंच जाएगा। तो आपके यहां बच्चों एम से क्वेश्चन पूछा गया कि अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, बाइल बनेगा नहीं बनेगा? तो क्या कहोगे? बाइल बनेगा लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि अगर गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाए तो किस चीज के डाइजेशन में दिक्कत होगी? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट। तुरंत बता सकते हो बच्चों, लास्ट लेक्चर आपको याद होगा कि जब बाइल जूस नहीं होगा कंसंट्रेट तो लाइपेसेस ठीक से एक्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए फैट के डाइजेशन में दिक्कत आती है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि जब किसी का गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है तो डॉक्टर्स ये एडवाइस देते हैं कि आप 4 से 6 महीने तक ज्यादा फैटी डाइट ना खाइए, क्योंकि शरीर 4 से 6 महीने बाद धीरे धीरे एडॉप्ट कर लेगा, जिससे पर्सन डायल्यूट बाइल जूस पर ही आराम से फैट को डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि अगर गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाएगा तो किस फूड सब्सटेंस के डाइजेशन में दिक्कत आएगी बच्चों? फैट के डाइजेशन में दिक्कत आएगी। क्लियर बच्चों? यहां पर 2 शब्द मैंने लिखे हैं, ये बहुत हाई फाई क्वेश्चंस थे बच्चों, कभी एएमयू में, जिपमर में, ओएमएस से पूछे गए हैं। एक है बच्चों मर्फी साइन और एक है मर्फी सिंड्रोम। मर्फी साइन बच्चों एक मेडिकल टेक्निक होती है जिससे पता किया जाता है कि आदमी को कोलीसिस्टाइटिस है या नहीं। तो ये सब बच्चों बहुत हाई फाई क्वेश्चन एएमयू में, जिपमर में, एम्स से पूछे आते रहे हैं। तो मर्फी साइन इज रिलेटेड विद कोलीसिस्टाइटिस एंड मर्फी सिंड्रोम इज रिलेटेड विद अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मिंग फॉर अपेंडिक्स, इसका जिक्र मैं आगे भी करूंगा। बच्चों सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके यहां नीट पे पूछा गया था बच्चों। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ध्यान देखो बच्चों, ग्रुप ऑफ सिम्टम। अब यहां पर सिंड्रोम लिखा है मर्फी सिंड्रोम, जो कि अपेंडिसाइटिस बीमारी से रिलेटेड होता है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं ग्रुप ऑफ? पेन होता है, वोमिटिंग होता है, फीवर होता है। तो बच्चों ये 2 शब्द बहुत हाई लेवल क्वेश्चन थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब सिम्टम्स क्या होता है बच्चों? सिम्टम्स अंदर की गड़बड़ी बाहर जिस रूप में दिखाई पड़ती है उसी को बच्चों सिम्टम्स कहा जाता है, यानी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरनल डिरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ सिम्टम। सिम्टम और साइन में अंतर क्या होते हैं बच्चों? ध्यान सुन लो, ये सब एक नॉलेज पॉइंट है, उसे आपको पता होना चाहिए। वो चीज जो कोई भी देख कर बता सके, पेशेंट भी, डॉक्टर भी, गार्जियन भी, ऐसे सिम्टम को साइन कहा जाता है। और जो सिर्फ पेशेंट बताए वो केवल सिम्टम कह सकते हो। जैसे बच्चों रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, कहीं पर रेडनेस है, कहीं पर स्वेलिंग, कहीं पर फीवर है, कोई भी देख के बता सकता है। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि यह साइन भी है, सिम्टम भी है, लेकिन उसको दर्द कितना है, दर्द केवल पेशेंट बताएगा बच्चों, यह केवल सिम्टम हुआ। तो हमारे ख्याल से बच्चों आज का जो एप्लीकेशन था, अप्लाइड था, यह आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। कल हम और बहुत सारा एप्लीकेशन पढ़ेंगे जॉइंटिस के बारे में और तुम्हारी एनसीईआरटी में कौन कौन से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का जिक्र किया गया है। बच्चों कुछ लोगों ने हमारा फोन नंबर मांगा था, तो ये बच्चों मेरा फोन नंबर है डॉक्टर गजेंद्र त्रिपाठी, 9415956381। थैंक यू वेरी मच बच्चों।